आलोट में लॉकडाउन के दौरान नागेश्वर रोड स्थित पर एक व्यापारी शाम 4 बजे के बाद व्यापार करता पाया गया। इस दौरान नगर भ्रमण पर निकले तहसीलदार और थाना प्रभारी ने व्यापारी पर कार्रवाई की, जहां उन्होंने दुकान बंद करवाई और फिर व्यापारी के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान व्यापारी प्रशासनिक अधिकारियों से बहसबाजी करने लगा, जिसके बाद पुलिस व्यापारी और उसके बेटे को थाने ले गई। मामले को तूल पकड़ता देख सभी व्यापारी एकत्रित होकर अनुविभागीय अधिकारी के पास पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन देकर मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की। वहीं अनुविभागीय अधिकारी ने व्यापारियों का ज्ञापन लेकर आश्वासन देकर लौटाया। थाना प्रभारी ने संबंधित व्यापारी के विरोध और शासकीय कार्य में बाधा डालने को लेकर कई धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया। व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष दिनेश कोठारी ने बताया कि यदि इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो आलोट बंद किया जाएगा। ज्ञापन के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है कि आज ज्ञापन दिया है। आज मैं और तहसील दोनों की टीम थाने से लॉकडाउन का पालन कराने के लिए निकली थी। जो श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय का आदेश है कि 4 बजे सभी प्रतिष्ठान और ये जो किराने की दुकान है ये बंद हो जाएंगी, इसी पालन में हम लोग बंद कराने के लिए और देखने के लिए भ्रमण कर रहे थे कि करीब 5 बजे के करीब हम लोग भांबीपुरा पहुंचे। वहाँ पर देखा कि टीकम चंद अग्रवाल अपनी दुकान खोलकर सामान निकाल रहा था, बेच रहा था ग्राहकों को, और उसके इस संबंध में हमने बोला दुकान बंद करने को, तो वह हमको बोला कि हमारा जो है नियम है और सामान जो रखा है उसका क्या करेंगे, सड़ जाएगा। तो उसको बताया गया कि लॉकडाउन में ये धारा 144 का उल्लंघन है, 5 बज चुके हैं, और उस पर चिल्ला चोट करने लगा। इस पर तहसीलदार साहब के द्वारा और हमारे द्वारा जब चालान बनाने के लिए बोला गया कि आपको चालान बनाना पड़ेगा, आपकी दुकान का ये खोल के रखी है उल्लंघन के दौरान, इस पर उसने चालान बनाने से मना किया और अभद्र व्यवहार भी करने लगा। उसके बीच उसका लड़का अभी अंदर से आया और हम लोगों से उज्जत करने लगा। उसको समझाया गया लेकिन उसके बावजूद भी आक्रोशित होने लगे, और उसको जो कार्रवाई करने के सहयोग के लिए जब बोला गया तो उन्होंने हमारे साथ जुआ झटकी भी की। इसके संबंध में तुरंत मौके पर अशांति फैलाने और उत्पात मचाने पर रजत अग्रवाल पिता टीकमचंद अग्रवाल के विरुद्ध धारा 151 की कार्रवाई की गई है, और रजत अग्रवाल और पिता टीकमचंद अग्रवाल के विरुद्ध भी शासकीय कार्य में बाधा 188 लॉकडाउन का उल्लंघन और 269 सत्ता संक्रमण फैलाने जैसे धाराओं में आज प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। 2 महीने से पूरे जिले में लगा हुआ था, उसका सब व्यापारी प्रशासन का सहयोग कर लॉकडाउन का पालन कर रहे थे। आज ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी कि एक किराना के थोक व्यापारी ने उसके यहाँ माल अनलोडिंग का कार्य हिमाल कर रहे थे, व्यापारी के पुत्र के साथ झूमा झपटी करना, जबरदस्ती उसको गाड़ी में बिठा कर ले जाना, और व्यापारी के साथ भी झूमा झपटी की गई है, निंदनीय कार्य पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया है, इसकी पूरा व्यापारी महासंघ निंदा करता है। और हमने SDOP साहब मैडम से मांग करी है कि इस प्रकरण